फायदा हुआ नुकसान? 12,000 का सोयाबीन हुआ, आत्महत्या बढ़ रही किसानों की। 10 एकड़ में 9 बोरे हो रहे किसानों को, जहाँ कम से कम 50-60 बोरे होना था। मरना चाहता है क्योंकि इनके ऊपर कर्जा इतना हो जाता है, लेकिन उससे अपने खेती में लगाने के बाद में उतने पैसे नहीं निकलते। कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जिसके ऊपर कर्जा है वो झाड़ को फांसी लगा के मर गया। जैसे कोई मर जाता है तो क्या सरकार फिर उसकी मदद करती है? कोई घर नहीं करती। क्या नाम है आपका? मैं नरेश। क्या करते हैं नरेश जी? खेती। खेती करते हैं। सोयाबीन लेके आए? सोयाबीन लाए बेटने। कितना लाए हैं? 4 क्विंटल। 4 क्विंटल बिका? 3300 रुपए। 3100 रुपए? 3300। 3300 रुपए मिला है भाव। लागत कितनी थी? लागत 30,000 रुपए एक करती। तो भाव जो मिला है फायदा हुआ नुकसान? 12,000 का सोयाबीन हुआ, आत्महत्या बढ़ रही किसानों की, सरकार को खेलने दे रही। ये क्या इस क्षेत्र में जब अमरावती का जिक्र आता है या विदर्भ का जिक्र आता है तो आत्महत्याओं का बड़ा बात होती है किसानों के हाथ में, यही कारण है? किसान कर्जा है बहुत है किसानों पे, लागत लगा रहे। थोड़ा हमको समझाइए कर्जा कैसे है? किसान मतलब ब्याज से पैसे लेते हैं, लागत लगाते और उत्पन्न कम होता और बीज को भाव नहीं मिलता, ये वजह है उनकी। ये अभी देखो, ये हम सोयाबीन लाया है, इसको 4,000 या 3,000 ये भाव मिल रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा। कितना भाव मिलना चाहिए हमको? तो 5,000 से 6,000 तक के, कम से कम 6,000 भाव मिलना चाहिए, कम से कम उतना मिलना चाहिए ताकि किसान खुश रहे। तेल का भाव बढ़ा गया 150 रुपए। हाँ, तेल का भाव 150 रुपए और सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए, 3500 रुपए, 3100 रुपए। और 10 एकड़ में 9 बोरे हो रहे किसानों को, जहाँ कम से कम 50-60 बोरे होना था। तो क्या करेंगे किसान? दलालों से पैसे लेते, वो भी ब्याज बढ़ जाता साल भरे का अंग पर, कहाँ से भरेंगे? मरने का तो इलाज ही नहीं है ना, अब बच्ची की शादी आ गई उनके, तो कहाँ से पैसे भरेंगे? का जो बोल रहे हैं, अगर वजह ये है कि जो हमको भाव मिलना चाहिए और खेत भी अपनी उतनी फसल नहीं दे रही है, इसलिए आत्महत्या का भाव ये कर रहे लोग। आत्महत्या तो कोई हल नहीं है, आत्महत्या तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि आत्महत्या हल नहीं है। कौन मरना चाहता है? बात परिवार है, सब मरना चाहता है क्योंकि इनके ऊपर कर्जा इतना हो जाता है, ये ठेकेदार का इतना पैसा लेते हैं, वो ठेकेदार का इतना पैसा लेते हैं, लेकिन उससे अपने खेती में लगाने के बाद में उतने पैसे नहीं निकलते, इसीलिए आत्महत्या करने वो मंगने आते ही है ना, इसलिए आत्महत्या करना पड़ता, ऐसा उनका कहना है और मेरा भी यही कहना है। आप लोग परिचित में किसी ने की है कि जान दी है अपनी? आप लोग परिचित में आसपास पड़ोस में? नहीं, अभी नहीं दिए, लेकिन इससे पहले दिए हुए है। कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जिसके ऊपर कर्जा है वो झाड़ को फांसी लगा के मर गया, ये ऐसा हुआ है ना। तो जैसे कोई मर जाता है तो क्या सरकार फिर उसकी मदद करती है? कोई घर नहीं करती, वो बोलते अपने इसको घर वाले को पछता के आत्महत्या किया होंगी, ये किया होगा, लेकिन ये वो नहीं सोचता कि इसको फसल नहीं हुई, इतना ये सब ये नहीं मिला, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार मतलब ये नहीं सोचती जी, जब जी रहे थे तब भी चैन नहीं था। हाँ, और जब मर गए उसके बाद भी परिवार को चैन नहीं है? परिवार को चैन नहीं है, इसलिए मैं बोलता क्या सरकार अच्छे से अच्छी आने को होना और जो भी हमारे खेती के लिए होना, बाकी कोई चीज़ को भाव नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन हमारे खेती के लिए और फसल के लिए अच्छा भाव मिलने को होना। सोयाबीन की फसल साल में कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। हाँ, साल भर मेहनत करते हैं आप लोग? हाँ, उसके बाद एक बार फसल, एक बार फसल होती है, फिर उससे उम्मीद होती है कि भाई वो फसल बिकेगी तो लाभ होगा तो खर्चा चलेगा। साल भर चैन से जियेंगे ऐसी उम्मीद रखते हैं, बाल बच्चे छोटे छोटे ये वो सब रहते हैं। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में 2 बच्चे और पति पत्नी और एक बुढ़ी माँ है, और 2 एकड़ में मेरे पास में क्या अभी 12 क्विंटल सोयाबीन हुआ है। 2 एकड़? हाँ, 12 क्विंटल सोयाबीन हुआ है। और मैं 2 एकड़ जमीन है? हाँ, 2 ही एकड़ जमीन है। मैं नरेश मसलदी नाम है, तिवसा तालुके का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर में रहता हूँ। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे मेरी पढ़ाई कर रहे, दोनों भी बच्चियाँ है, लड़कियाँ है, पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ा रहे, एक 11वीं में है अभी और एक 8वीं में गई। किस स्कूल में जाते हैं? सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट में जाते? नहीं, प्राइवेट में बोले तो वैसे सरकार से अटैच है। हाँ, सरकार से अटैच है, तिवसा में है। तो बच्चों को आगे पढ़ाएंगे? पढ़ाना है, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाएंगे तो वही हमारा भविष्य बनेंगे आगे चल के, नहीं तो हमारे को कौन क्या देगा? सरकार तो कुछ
हमारे हाथ आगे करके कुछ दे नहीं रही है।